क्या बोलती पब्लिक, कहाँ थी पब्लिक अब तक भाई? मत पूछो, लोग देख रहे हो, मतलब मजा आ रहा है लिटरली। ओके, रास्ता तो यही है शायद, शायद नहीं, हाँ यही है शायद। हाँ प्रॉपर फील्स। हम कहीं आसमानों के ऊपर तो नहीं गाइस? बहुत मजा आ रहा है। इससे बेटर कोई रूट नहीं हो सकता। जस्ट लुक एट इट, वो जब सामने वो देख रहे हो, पूरे कटे हुए पहाड़ है वहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे हिमाचल में रोड्स बनी हुई हैं। आधे से ज़्यादा पत्थर तो यहीं से गिरते हैं और पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे सीन से पत्थर गिरते हैं। तो बारिश वारिश का टाइम में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो यही है यार, धीरे चलाओ उस वक्त। तो हम तो भी निकल के आए हैं खतरनाक वाली से। एक अच्छा सा स्पॉट मिले ना, रुक के व्यू को थोड़ा एंजॉय करें। ये देखो, ये पूरे कटे हुए पहाड़ हैं यहाँ पे। माय गॉड, हनुमान मंदिर, जय हनुमान। ये देखो हनुमान के भक्त ये भरे पड़े। व्हाट्सअप, ये साइड साइड में है ना, बड़े बंदर मिलते हैं बैठे हुए। क्या रोड है, इट फील्स लाइक आराम से मैं किसी अपने घर पे बैठा हूँ और एक व्यू एंजॉय कर रहा हूँ बैठ के। सामने टीवी लगी हुई है और वो स्क्रीन में ये राइड चल रही है। बाय गॉड, ऐसी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं राइड कर रहा हूँ। वैसे मैं बता दूँ, हिमाचल में मेरा पहला टाइम है राइडिंग का। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मैं स्टेट पे इतना अंदर तक आया हूँ। अपनी रोराक लेके इसने आज बहुत तंग किया है, पर अब बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही है। पैम्पर करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी इसको भी, रोनाक को। अदरवाइज शी इज ऑल माइटी वन। स्पॉट लाइक रैंडम स्पॉट्स पे आके रैंडम जो व्यू मिलते हैं ना, कुछ मेमोरीज आ जाती हैं। छोटा सा बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, मतलब छोटा सा इसलिए बंदे को कोई डैमेज नहीं आया, ह्यूमन लाइफ इज सेव्ड, ही इज ओके। एंड बड़ा इसलिए
अंदर जितनी भी माउंटेन ड्यू थी ट्रक में सारी गिर गई। मैं पूरी रोड में माउंटेन ड्यू की बोतलें बिखरी हुई थी खतरनाक तरीके से। बाय गॉड, मतलब मैंने देखा यार ये क्या ग्रीन ग्रीन सा क्या है, ये क्या नया चीज आया है हमारे यहाँ। ध्यान से देखो तो ड्यू की बोतलें थी यार। मैं टर्निंग में ना भारी गाड़ियां गिर जाती हैं एंड इट्स नॉट अ नाइस हैबिट जस्ट टू मेक अ वीडियो, यू स्टॉप ओवर दैट पॉइंट एंड रिकॉर्ड दैट पॉइंट इंस्टेड हेल्प और जस्ट लीव, बेस्ट एडवाइस। बट यार माउंटेन ड्यू की वो बॉटलें, कोई ना, हम कुछ और ढूंढेंगे अपने लिए, जैसे कि चाय। बिल्कुल डेस्टिनेशन के हम अपने पास हैं, जो हमारी आज की लोकेशन है फाइनल वाली। अभी तक चलो डिस्क्लोज कर देते हैं, पालमपुर यहाँ से रह गया है 15 kilometers एंड वी आर डैम एक्साइटेड टू एंटर द पालमपुर राइट नाउ। जो रोड्स अभी ज़्यादा दूर नहीं है हमारी मंजिल और रोड्स भी एकदम खतरनाक कर्वी हैं। अब तक नहीं है आपको दिखाने के लिए मैंने ऑन किया, अब नहीं है, मेरी गलती नहीं है। जितने भी सामने ट्रीज हैं ये सारे हमारे पाइन ट्रीज हैं। मतलब आप समझ सकते हो ना इस रोड में क्या मज़ा आएगा ड्राइव करने में। व्हाट यू आर मिसिंग राइट नाउ सिटिंग एट होम, बट स्टिल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो रियली। इफ यू आर एंजॉइंग इट आई एम डैम हैप्पी, देन जस्ट लुक एट पूरा पाइन से भरा हुआ है। आई कैन सी सम पाइन अप देयर इन द ट्री, अभी कम है, अदरवाइज पूरे भरे होते हैं बुरी तरह। एंड उन पाइन में से बेस्ट पाइन सेलेक्ट करना इज अ आर्ट। फाइनली वी हैव एंटर्ड पालमपुर, बट इस ट्रक के आगे कैसे निकले मुझे नहीं पता। स्लो एंड स्टडी नाइसली वी विल गो। एक आई थिंक अब मुझे ये नहीं पता वो जेन्युइनली 4 घंटे का रास्ता है जम्मू से कि नहीं, पर मैं तो अच्छा खासा 8 बजे निकला था। मैंने सोचा पहुँच जाएंगे हम 12 बजे तक एट मैक्सिमम, पर यहाँ पे तो 3:30 हो गए हैं पूरे के पूरे सीधा। वो जो बारिश हुई थी ना बाय गॉड, वो ही था एक अल्टीमेट पॉइंट। और मैंने एक पार्ट मिस कर दिया, वो ही मेंशन करता हूँ। एक एरिया तो ऐसा था जहाँ से निकलना पॉसिबल ही नहीं था, बस ट्रक्स का सीन सही बैठता वो निकलते, तो बाकी फिर हमने गाड़ी मोड़ी, फिर पता नहीं कौन से गांव से निकाली वो बाइक अपने, एक कर्व मारा गांव से निकलते हुए, बहुत सही कर्व था, पूरा बैकलॉग पानी का
पीछे छोड़ दिया उस कर्व ने। कैन परफेक्ट था बिल्कुल, मतलब कैन रोड में पानी भरा हुआ है बुरी तरह, और गांव बिल्कुल सड़क बिल्कुल प्लेन खाली, यही होता है। पहाड़ों पे ओवरटेक नहीं करना, पहाड़ों में ओवरटेक नहीं करना, स्लो चलाओ पहुंच जाओगे, कोई जल्दी नहीं है, पर ओवरटेक नो नॉट एट ऑल। वो तो ठीक है, यहाँ से जाना कहाँ है, सही तो पेट्रोल पंप है सामने, पेट्रोल पंप की इतनी ग्रैंड एंट्री बना रखी है ना, ऐसा लग रहा था पूरी रोड जा रही है अंदर, मैं चला भी जाता। इस भीड़ भड़क से हम निकलते हैं, पालमपुर हम पहुंच गए हैं। ये पालमपुर की मेन मार्केट में भी हम हैं, आप देख ही रहे हैं क्या सीन है, वन वे होम टाइप ऑफ। पब्लिक एकदम मचा रही है, बिल्कुल रौनक हो रखी है, मतलब देख के मजा आ गया। ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम शॉप, ज्यादा इमोशनल नहीं होते, ज्यादा इमोशनल नहीं होते हुए सीधे चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ। राइट साइड में एक स्टेडियम सा आएगा छोटा सा, यहाँ के लोग का स्टेडियम, मतलब इसका नाम है कैप्टन शहीद विक्रम बत्रा स्टेडियम। जितने भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं यहाँ के मोस्टली इसी लॉन में होते हैं। अंकल का लुक फील दे गए अंकल, बहुत काम कंपोज काइंड ऑफ एरिया है, बिल्कुल छोटी छोटी रोड्स बनी हुई हैं। पहले के टाइम पे आप कंपेयर करें तो गाड़ी तो बढ़ गई है, तो उसके साथ ट्रैफिक और वाला पूरा सिस्टम खराब हो चुका है आपका गाड़ियों का। तो जितना भी टी गार्डन वाला एरिया है उससे भरा पड़ा है, लश टी गार्डन वो आपको दिख ही जाएगा, वो मुझे आपको एक्स्ट्रा बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इट्स लाइक सॉर्टेड काइंड ऑफ सीन है वो ऑलरेडी यहाँ का। ये कहाँ अंकल, थोड़ी सी रास्ता दे दो, मैं भोकाली करनी है, इनको और कुछ नहीं है, थैंक यू। ये देखो ये पूरा टी गार्डन से भरा हुआ है, पूरा टी गार्डन से, और ये क्या सीन हो रखा है बंधु, टी गार्डन तो ठीक है यहाँ भाई, नहीं तू बेचार का अमेजिंग डैम। चलिए आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, इफ यू हैव enjoyed the video please like it because that is very important and if you are new to the channel and watching my first video
डू चेक आउट ऑल द वीडियोस एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज. टिल देन साइनिंग आउट, सी यू.